कितना का होगा? अरे इसका तो हमको उतना प्राइस अभी अच्छा से पता नहीं। अरे फिर भी अंदाजा में बोल दो यार, कितना का होगा? अरे तो मेरा ही लगाया है इसमें, पर्ची लगाया है कि एक्सेस काम चल जाए। मतलब आप खरीदो हो? हाँ तो आप मतलब दोस्त उस का नहीं है वो, कुछ ऐसे होता है यार। देख लो भाई, फर्स्ट टाइम 50 की एकदम नींबू बढ़िया से मार के भाई। ये देखो हमारे प्यारे बापू। ओ देखो भाई, खतरनाक वाला डर लग रहा भाई। पेंडुलम उधर चल रही है। अरे भाई ओ, ये तो भयानक झुला रहा है। उसे भी एक पैकेट है तो निकाल दो। आवाज आ रही है भाई। एक वीक के बाद मैं अपनी बाइक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऊपर से जा कर आ रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा तो हंसी लगेगा। मुझे अभी भी पता चला कि खादी मेला देख रहे हो कितनी गंदी हो रखी है यार। अब क्या ही धोएं उसे। खादी मेला लगा हुआ है और वो भी आज लास्ट डेट है, तो जल्दी से जाते हैं। बहुत दिनों बाद इसे कोल्ड स्टार्ट पर डाल रहे हैं। ओ भाई ये अलग अलग शोर मचा रही है भाई, अलग शोर मचा रही है। तो जल्दी से कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। हेलो हाय जोहार नमस्ते सभी को, द कैप्टन ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो एक मेले वाला है, समझो तो मेला घूमेंगे आज हम लोग। आप लोग बोल रहे होंगे कि इतना लेट में आप क्यों जा रहे हो खादी मेला, जबकि बंद हो जाता है। तो मेरा ड्यूटी था और ड्यूटी के बाद मैं आ रहा हूँ। इधर मैं इसलिए आता हूँ ना, इधर मेरे को स्ट्रीट लाइट दिख जाती है यार, और स्ट्रीट लाइट में गाड़ी चलाने का मजा कुछ अलग है। ये देखो भाई, तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। इतना सही माहौल है ना भाई। ओहो क्या आवाज आ रही है भाई, क्या आवाज आ रही है। और वैसे भी खादी मेला साल भर में एक बार लगता है, वो भी ठंडी के सीजन में, और आप खादी मेला नहीं घूमे तो क्या घूमे यार। तो आप रे मजा आ गया भाई पूरी तरीके से। तो ऐसे लाइट में जब आप गाड़ी चलाते हो ना तो एक अलग मजा आता है भाई। बाकी सब ठीक है। अरे 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 भाई साहब, क्या हो गया आपको? ये गुरु ये भाई भगा रहे वो। अरे यार हम लोग को देख के एक्साइटेड मत हो जाया करो यार, बहुत दिनों के हम लोग का खुन्नस रहता वो हम लोग रोड पे निकालते हैं थोड़ा बहुत आवाज के माध्यम से। क्या आवाज आ रही है भाई। तो सिटी में चलाने का अलग रौब है। मैं बोला था कि नाइट व्लॉग हम लोग जरूर शूट करेंगे एक बार, मगर और रात में जब ये रास्ता पूरा खाली हो, है ना। मेरे को डाउट हो रहा है कहीं मेला खत्म ना हो गया हो। कसम से ऐसा होगा तो दिल टूट जाएगा भाई, भी दिल टूट जाएगा। और लास्ट डेट है तो मेरे को लग रहा है कि मैं भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे चीज़ों को यार। बस मेरे को यही कंसर्न है अपना बाइक का, कि यार बाइक इतनी अपनी बेका को अकेले छोड़ना मेरे को मन नहीं कर रहा। बट अब थिंग इज दैट कि अब करना तो पड़ेगा। अब देखते हैं सही जगह कौन सा है। पार्किंग ले लो यार आप मेरे से, पैसा ले लो, बट एकदम सही जगह प्लेस करवा देना यार एकदम गाड़ी। यहाँ अच्छा ठीक है, लगा दे रहे ब्रो। हाँ कितना का होगा? अरे इसका तो हमको उतना प्राइस अभी अच्छा से पता नहीं। अरे फिर भी अंदाजा में बोल दो यार, कितना का होगा? अरे तो मेरा ही लगाया है इसमें, पर्ची लगाया है कि एक्सेस काम चल जाएगा। नहीं हो गया ZX 10R थोड़ी, कितना का होगा अभी अंदाज आप बताइए। अरे तुम बताएगा कि हम, अब तुम पूछा तुम्हें तो अंदाज तुम बता दो एक बार। 15 लाख से का कम का होगा, 16 लाख। अरे रुक जा रुक जा, इस अधिक दे रहे हैं, इसको पकड़ ले। हाँ दोनों गाड़ी काट दो। नहीं यार मेरा सिंगल है। कितना में खरीदे भैया आप बताइए? ये है 12 लाख की गाड़ी है। मतलब आप खरीदो हो?
हाँ तो अब मतलब दोस्त उसका नहीं है वो, ऐसे होता है यार। तो स्कूटी दे देगा 12 लाख का गाड़ी कोई देगा भाई दोस्त घूमने के लिए आजकल का दोस्त? तो है भाई साहब, हाँ अब ऐसा बोलोगे तो पकड़ लेगा यार, रहन दे अभी, माफ कर दे। जी 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 भाई हेवी है भाई। ओके तो भाई देख सकते हो कि माहौल पूरा टाइट है, ये पूरा एकदम मेला तो भयानक टाइप से लगा हुआ है भाई। और मैं भी सोच रहा हूँ कि जा करके पहले तो घुस लेता हूँ, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो फिर आज तो हो जाएगा भाई बहुत खतरे टाइप से। भाई देख लो, जिसको टिकट कटाना वो कटा सकता है, जिसको नहीं कटवाना है वो नहीं कटा सकता। तो फाइनली मैं तो ऐसे ही घुस गया हूँ, बट देखते हैं आगे क्या होता है। देख लो भाई जबरदस्त बना हुआ है भाई, ये तो माहौल टाइट है भाई, माहौल टाइट है पूरा। लाइटिंग आई लव खादी, क्या बात है। ओके कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अकेले आ गया भैया लोग? अरे नमस्ते। चलो ठीक है, घूमो अच्छा ठीक है। ये गांधी जी का जो पुराने वाले नोट आते थे उसमें यही चीज लगा हुआ रहता था, आपको याद है कि नहीं याद है? क्या सही लग रहा है यार। अरे भाई गांधी संग्रहालय, बहुत कुछ देखने के लिए भाई आज तो। कैसा लग रहा हूँ भाई ये बता दो पहले तो, आउटपुट ठीक है ना? तो भाई अंदर जा रहे हैं अभी खादी वाला चीज को देखने के लिए, खादी से बने हुए सारे चीज को। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसी चीजें हैं वहाँ पर। तो ये देखो भाई, ये खादी से बना हुआ सारा चीज है। लवली यार, ये देखो हमारे प्यारे बापू। भाई देख लो यहाँ पर औषधि वगैरह सभी बनाया गया है, और ये सब सभी कारपेट वगैरह थे, अब तो बंद हो रहा है यार, ये आज लास्ट डेट था इस वजह से ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। ओके यार यहाँ तो चीजें ऐसी ऐसी है ना कि देखते देखते आपका मतलब वक्त बीत जाएगा, बट चीजें खत्म नहीं होंगी वैसा है। तो जितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हो फैमिली लोग के साथ लेकर के आ सकते हो यार। देख लो यहाँ तरह तरह के अचार है, यहाँ देख लो भाई मस्त मस्त लग रहा है भाई। अरे भाई तो यहाँ पर कुछ अपने लायक है क्या कुछ खाने वाला? कैंडी क्रश दिख रहा है भाई। ओके तो देखता हूँ भाई मैं भी टेस्ट करके एक बार। कैसे ये क्या है वैसे? सही बात है यार। ठीक है निकाल दीजिए। क्या है ये? इमली का है, बैर है, बाप रे। 33 ग्राम ज्यादा भी ले जाओ। अरे अच्छा देख लो भाई क्या तीखा वाला है या फिर कैसे वाला है? ये खट्टा वाला है, ये तीखा वाला है। मिर्ची है ना? हाँ उसे भी एक पैकेट है तो निकाल दो। बजाज का पैक कर दे। पैकेट नहीं है क्या? तो भाई दो तो ले लिए कैंडी क्रश। ये क्या चीज है? रहने दो, 100 रुपए का निकाल दे रहा है तूने यहाँ। रहने दो पूरा दे दो, कुछ छूट नहीं दे रहे हो भाई? छूट कुछ नहीं मिलेगा यार, अब तो माल बेच दे यार। ये क्या ब्लैक सीट है? ब्लैक सीट। इसको कैसे खाया जाता है? कैसे खाना है आपको? खिला दे रहा है फिर बैठ के देखो टेस्ट करके देखो। इसको लिए कम से कम काई का शुरू है भैया, काई फिर का लेकिन यहां पे नजर आ भी नहीं है। पैकेट ये यहां पे सबसे बढ़िया चीज है। कितने का है? 100 रुपए यार तुम महंगा करते का है डाल। कितना हुआ? और बेटा तो है अब मत दे भाई, अपने तरफ से कुछ दे दे। इमली वाली नहीं भाई रहन दे। अपने तरफ से कुछ नहीं देगा? ये है भाई 120 का, तो लगा तो के ना? कुछ देगा नहीं अपने तरफ से? ये देखो भाई कैंडी दे रहा। चलो मैं पेमेंट कर लेता हूँ भाई।
तो देख लो भाई, मैंने तो ले लिया बहुत कैंडी कैंडी कुछ कुछ घर के लिए, कम से कम कुछ तो ले जाए यार, आए हैं तो कुछ तो लेकर के जाए। तो भाई देख लो इधर बड़ा झूला, पता नहीं घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, एक बार घूम करके जरूर आ जाते हैं उधर से। क्या बोलती है पब्लिक, बड़े झूले में चला जाए क्या? मेरे को मन तो है बट मैं कुछ खाया नहीं हूँ, कहीं उल्टी ना हो जाए भाई। तो फाइनली टिकट तो ले लिया हूँ भाई मैं, अब ऊपर चले जाए। तो भाई ऊपर तो जा रहे भाई, सो लो, अब क्या होगा पता नहीं। ये देखो काफी गंदा सीन होने वाला भाई, पूरा डर लग रहा है मेरे को तो। उतरना नहीं है लग रहा है इन लोगों को। दो माय गॉड, मर गए यार। तो भाई फाइनली मैं तो बैठ गया हूँ अकेले, और देखते हैं अब आगे क्या होता है। भाई मेरी तो हालत अभी से खराब हो रखी है, पता नहीं चलेगा उसके बाद क्या होगा, बट यहाँ से जो सिनेरियो दिखने को मिलेगा ना वो अल्टीमेट है यार। भाई तो देख लो यार, उधर स्टेडियम और प्रैक्टिस चलता हुआ, और इधर पूरा माहौल टाइट है भाई। अभी यहाँ से घूमने के बाद वहाँ जाएंगे खाने पीने वाले स्टॉल पे। भाई फाइनली स्टार्ट हो चुका है रनिंग, अब देखो सीन क्या होता है। ओ भाई मर जा रहा हूँ, देख लो ये भाई। ओ भाई साहब क्या बात है, ओ देखो भाई खतरनाक वाला डर लग रहा है भाई। पेंडुलम उधर चल रही है, अरे भाई ओ ये तो भयानक झूला रहा है भाई। बड़े झूले से उतर के ना मेरा तो हालत खराब हो रखा है भाई, मेरे को ना हल्का हल्का एकदम वैसा वाला फील हो रहा था जो समझ रहे हो ना। बट अब फूड काउंटर पे आ गए हैं, अब देखते हैं कुछ खाते हैं यार, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है कुछ। ओके तो राजस्थानी कुल्फी एंड रबड़ी एंड बर्फी, तो देखते हैं यार क्या खाएं। वनीला भाई वो रबड़ी रखा है कि नहीं रखा है वो बोला, खत्म हो गया। अरे यार किस्मत ही खराब है भाई, ये देख खत्म हो गया यार। अब देखते हैं आगे कुछ तो मिल जाए कहीं। चलो एक न्यू चीज़ अमेरिकन भुट्टा, कम से कम भुट्टा तो खा ले भाई, अब कुछ नहीं तो कुछ तो खा ले, देखते हैं यार कैसा होया है पहले। अमेरिकन भुट्टा देख लो भाई, फर्स्ट टाइम एकदम नींबू बढ़िया से मार के भाई। नहीं नहीं फुल्ली करना है, अकेले खाऊंगा अकेले खाऊंगा, अब कोई है नहीं तो अकेले ही मजे ले लेते हैं। ये क्या है भाई, अमेरिकन भुट्टा हाँ कसम, उल्लू बनाया जा रहा भाई, बट सही है एक बार ट्राई कर लेते हैं। नाइस यार, अच्छा है काफी अच्छा है। तो भुट्टा खाने के बाद अब चाय तो बनती है ना भाई, अब थोड़ा सा पी करके देख लेते हैं, मजेदार है भाई, माइंड फ्रेश करने वाला। देख रहे हो भाई कैसे चाव से खा रहे हैं सभी डुस्का वगैरह, ये देखो डुस्का डुस्का बन रहा है भाई पूरे तरीके से। ओ भाई गरम गरम गुलगुला, कैसे गुलगुला भाई, हाँ दे दो एक प्लेट दे दो तो। चलो अब गुलगुला खाते हैं उसके बाद निकलते हैं भाई। ओके भाई तो फाइनली अपना गुलगुला खाते वक्त मज़ा तो बहुत आ रहा है यार, दिखाता हूँ मैं आपको, रुक जाओ। यम्मी भाई यम्मी। ओके तो भाई यहाँ पास घूमते घूमते खादी मेला में देखो अपने भाई लोग मिले हैं, और इधर सबसे प्यारा वाला तो कितना प्यारा लग रहा है यार। अभी नहीं चेक किए एक जोश लगा रहे, थोड़ा कम ज्यादा नहीं, एक दो किलोमीटर कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं, दस मान के चलिए। <नहीं। laughs>
ओके भाई, तो अब निकलने का टाइम हो गया है, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, कोल्ड स्टार्ट हो जाने दो बस। चलो बाय ना। ये ब्लॉग आपको अच्छी लगी हो, मैं तो बहुत मजा आया, बहुत मस्ती किया मैंने, बड़े झूले में बैठा मगर थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था मेरा, बट खाना पीना खा करके अब निकल रहा हूँ घर की ओर। अगर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो जल्दी से कर लो भाई। चलो भाई, अपना ख्याल रखो बस।